सो हेलो जी, की हाल चाल सारे अनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं भाई सेरेमिक प्रो जयपुर, और अपन अब बात करने वाले कि अपन ने भूसा में क्या करवाया था। भूसा अपन ने जी करवा दिए दोबारा से अनरैप्ड। मुझे नहीं पता आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा ये सुनने में, बट हाँ जी, अपन ने भूसा अनरैप करवा दी है बिकॉज ऑफ अपन करने वाले एक बहुत ज़्यादा लंबी राइड, और उस लॉन्ग राइड में जी अपने को नीड पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा ये रैप हटवाना था, क्योंकि रैप पे ना यार चलान है, और अपनी आरसी में जो कलर बोलता है वो ब्लैक कलर आता है, तो लॉन्ग राइड पे अपन रिस्क ले नहीं सकते। तो फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं जी सेरेमिक प्रो। सेरेमिक प्रो पर अपन ने करवाई थी अपनी भूसा पर 9H कोटिंग, साथ में मैंने अपने हेलमेट पर भी 9H कोटिंग करवाई थी। तो जो भूसा के लुक हैं वो ओरिजिनल चेंज हो चुके हैं, जो पहले वाली भूसा थी वो अपनी वापस आ चुकी है। और अभी लास्ट वाले व्लॉग में अपन ने, मैंने, आयुष और अंकित ने डिस्कस किया था कि अपन अपनी बेबी का क्या नाम रखें, तो भाई अपन ने अपनी बेबी का नाम कर दिया है चेंज। उसका नामकरण करके अपन ने उसका नाम कर दिया है लैला। तो अब आपकी लैला आपके सामने पेश करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो चलो लेके चलता हूँ मैं अपनी लैला के पास जल्दी से, आपसे भी नहीं राजा रहूँगा और मुझसे भी नहीं राजा रहा। तो लेट्स गो, पहले करो आप मेरी बेबी लैला के सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको अपनी लैला? लैला भाई मेरे को तो बहुत हटके लगी, अलग लेवल। और आप भी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये लैला अपनी कैसी लगी। तो अब अपन बात करते हैं जी इसमें क्या खर्चा आया है, क्या क्या अपन ने करवाया। एक तो अपन ने करवाई थी जिस पर 9H की कोटिंग, वो भी 3 ईयर वाला पैक लिया था, तो वो अपने को पड़ेगी जी 20,000 रुपीज़ की, खास करके सुपर बाइक्स की। एंड देन आफ्टर अपन ने, आपने देखा था मेरा हेलमेट भी था हायाबुसा वाला, तो वो भी अपन ने रिकोट करवाया है, पेंट वेंट सब एज इट इज़ है। वो एरो का था, वो मैंने दलजीत पाजी से हायाबुसा की लुकिंग में करवाया था। तो और यहाँ पर आके मैंने उसको रिकोट करवाया, क्योंकि इसकी जो पॉलिश वगैरह थी वो थोड़ी कम लग रही थी मेरे को, ग्लॉस वगैरह था। तो ये यहाँ से अपन ने चेंज करवाया, और भाई इसका कॉस्ट, हेलमेट का कॉस्ट अराउंड आया है मेरे को 3,000 रुपीज़। और छोटा मोटा और भी काम था, मतलब छुटपुट लगा लूँ के अपने को 27,000 रुपीज़ तो अपन ने पे करे हैं सेरेमिक कोटिंग में। एंड अपन ने जो टैंक पेड देखा था, जो टैंक पेड लगा रहे थे भैया उस,
भी मैंने सिनेमैटिक शॉट्स डाले हैं। वो टैंक पैड लिया था अपन ने सुजुकी से, वहाँ सुजुकी चलना है, उसका भी पेमेंट देना है, उसका अराउंड था 6000 के अराउंड, और उन्होंने मेरी बाइक अनरेप भी करी थी तो उसका भी चार्जेस है, तो वो भी मेरे को वहाँ देना है, तो अराउंड वहाँ का बैठेगा मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में। और ये व्लॉग जो है कैसा लगा प्लीज़ से मेरे को ज़रूर से बताना, ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे तो लिटरली बाइक बहुत अमेजिंग लगी, तो आप भी मुझे ज़रूर से बताना आपको बाइक कैसी लगी। नो डाउट ये जो सेरेमिक प्रो है ना पीछे, बहुत अमेजिंग वर्क कर रहा है, बहुत अमेजिंग। मैंने अपनी गाड़ी भी एक दो बार करवाई हुई है, और मेरे पास पहले जी 900 थी, मैंने वो भी करवाई हुई है। मतलब आप है ना दिल खुश हो जाएगा आपका यहाँ से काम करवाने के बाद, आपको 1% भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट गया है। भाई अमेजिंग वर्क, आई एम सीरियसली सल्यूट है इनको, सेरेमिक प्रो वालों को, बहुत मेहनत करते हैं। और मेरी बाइक भी भाई एक दो दिन में कंप्लीट नहीं हुई, 7 डेज़ में जाके कंप्लीट हुई, क्योंकि अनरेप्ड हुई तो उसका जो गम था वो गम पूरी बॉडी में था, वो पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन करी है। तो सल्यूट है भाई सेरेमिक प्रो वालों को, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से काम किया है। एनीवेज भाई लोगों, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है तो भाई लोगों प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आने वाले व्लॉग्स अब भूसा के ऊपर बहुत होने वाले हैं। तब तक के लिए जाता हूँ आपसे इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।